मैं हूं दिव्या और आपको बधाई देना बनता है। भारतवासियों बधाइयां। हमने राम के आने से पहले एक दीप को आग लगाने का इतिहास जारी रखा। मालदीव का इंडिया आउट तो फेल हो गया भाई। पूरे इंडिया ने एकजुट होके कह दिया है यस इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स। बट गाइस सी व्हाट्स हैपनिंग इन मालदीव्स व्हेन इंडिया इज आउट। ना माल बचा ना दीप। खुद मालदीव टूरिज्म इंडस्ट्री अपने सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। इधर पूरा इंडिया एक साथ खड़ा है, फ्रॉम सेलिब्रिटी टू कॉमन पीपल, स्पोर्ट्स स्टार हो या फिल्म स्टार, हम हो या आप। लेकिन अब भी कुछ भीतरी दुश्मन है, द यूजुअल सस्पेक्ट्स, जो अब भी नेशन सेंटीमेंट के अगेंस्ट है। इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी विरोध में ये लोग देश के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। वैसे काफी प्रिडिक्टेबल हो गए हो आप लोग, नहीं? जैसा एक्सपेक्टेड ठीक वैसा ही किया। फिलहाल तो देखना दिलचस्प रहेगा कि इंडिया के आउट होने के बाद मालदीव अपनी इकोनॉमी कैसे संभालेगा। पीएम मोदी की गारंटी लक्षद्वीप को रेडी कर देगी वर्ल्ड टूरिज्म के लिए, और रुदाली गैंग हाथ मलते रह जाएंगे जब राम आएंगे। खैर, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, राम आएंगे तब भी इनकी बिहेवियर प्रिडिक्टेबल ही होगी, या इनकी बुद्धि संग लाएंगे। अरे मोदी जी कह दें मित्रों कीप ब्रीदिंग, तो ये सांस लेना छोड़ दें। आप क्या कहते हो कमेंट कीजिए, और देखते रहिए दिव्या के साथ नो द नेशन।